हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपका बजट 13,000 रुपये से लेकर 13,500 रुपये के प्राइस सेगमेंट में है तो इस बजट सेगमेंट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो इस कंडीशन में एक सही स्मार्टफोन को खरीदना, उसे बाय करना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में एक बैड फ़ोन अगर सिलेक्ट कर दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, 13,000 रुपये कोई कम बजट नहीं होता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में सभी यूज़र्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर यह बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट तैयार की है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी यूज़र्स को प्राइस सेगमेंट में बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो किसी को अच्छा कैमरा, और बहुत सारे यूज़र्स को बड़ी डिस्प्ले, अच्छी बैटरी और बढ़िया सा रैम और स्टोरेज चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें गेमिंग चिपसेट, पावरफुल परफॉर्मेंस, बेस्ट कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले, सारे क्राइटेरियाज के स्मार्टफोन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और हो सकता है आप जिस स्मार्टफोन को ढूंढ रहे हो वो स्मार्टफोन इस वीडियो में देखने को मिले। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्मार्टफोन खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, और दोस्तों बेस्ट कैमरा, बेस्ट बैटरी और साथ ही एक अच्छी खासी रैम और स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन निकल गया था रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9। इसमें फ्रेंड आपको 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी की बात करें फिर तो 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए 22.5 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसकी मेन प्रोसेसर की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको MediaTek Helio G85 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और साथ ही दोस्तों, इसमें आपको Android 10 का वर्जन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको MIUI 11 देखने को मिलता है। इसके वेरिएंट की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे, और जो दूसरा वेरिएंट है इसमें आपको 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए। और दोस्तों, आपको इसमें बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता है और अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल रही है। 4GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसे आप 10,999 रुपये में बाय करने आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। और दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसे आप 12,999 रुपये में चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्मार्टफोन ठीक ठाक ना भी लगा हो तो अभी हमारी लिस्ट में ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो आपको काफ़ी बेहद पसंद आने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, इसमें काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा, और आपको बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही काफ़ी बढ़िया आपको इसके वेरिएंट और रैम और स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन निकल के आता है Xiaomi की तरफ से, Redmi Note 9 Pro। इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाली LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक साइड में, जो रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का। इसमें आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, इसको चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर। मेन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है और 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड पर बेस्ट है। और दोस्तों, इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे, दूसरा वेरिएंट 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, तीसरा वेरिएंट 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो जो फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों जो कैमरा क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेस्ट हो रहेगी, साथ ही आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बैटरी भी अच्छी खासी है, लेकिन जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 720G। इसमें आप काफ़ी अमेजिंग तरीके की गेमिंग कर पाएंगे और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपका स्मार्टफोन देगा।
तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की मैंने प्राइस की बात करें तो जो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है ये आपको 12,999 रुपये में देखने को मिलेगा अमेजोन पे। और जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज ये आपको अमेजोन पे 13,999 रुपये में देखने को मिलेगा। और ये जो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है ये 18,699 रुपये में देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। दोस्तों अगर आपका बजट इस प्राइस सेगमेंट से भी कम का है तो जो डिस्प्ले पे ये वीडियो देख रहे हैं इसको दोस्तों आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इससे भी कम प्राइस का गेमिंग स्मार्टफोन बताया है जिसमें आपको गेमिंग चिपसेट, पावरफुल परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, सुपर कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलेंगे और साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में देखने को मिल जाएगा या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों जिस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे ये एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है और इसमें आपको सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों आपको काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा और काफ़ी बढ़िया बैटरी और फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा और इसमें आपको काफ़ी बढ़िया रैम और स्टोरेज भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, अगर आप सैमसंग यूज़र है तो आपके लिए स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये है सैमसंग A21s। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले रहेगी। और दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रोलेंस। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 5000 mAh की बिग बैटरी, 15 वाट का फास्ट चार्जर। और दोस्तों इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको एक्सिनोस 850 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है और 2 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। इस स्मार्टफोन के आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो 6.5 इंच की आपको सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो काफ़ी बढ़िया अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस देगी। तो दोस्तों अगर आप नेटफ्लिक्स से यूट्यूब वगैरह वीडियो देखते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। साथ ही अगर कैमरा वाइज स्मार्टफोन लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगी कैमरे की और आप अल्ट्रा वाइड एंगल भी ले पाएंगे। दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी बैटरी और अच्छा खासा फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। मेन फ्रेम प्रोसेसर की बात करें तो जो सैमसंग के दूसरे प्रोसेसर है उनके कंपैरिजन में दोस्तों ये प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हो तो जो 4GB वाला वेरिएंट है ये आपको 12,999 रुपये में देखने को मिलेगा। जो 6GB वाला वेरिएंट है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला ये 14,999 रुपये, 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 17,499 रुपये में। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है, अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दोस्तों दूसरा स्मार्टफोन चाहिए बेस्ट प्रोसेसर के साथ और बेस्ट कैमरा के साथ तो दोस्तों अभी हमारे लिस्ट में कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जो काफ़ी बड़े स्पेक्स के साथ आते हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाएगा, वीडियो पर बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे इसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले और काफ़ी बढ़िया बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको काफ़ी बढ़िया रैम और स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल के आता है पोको की तरफ से, पोको M2 Pro। इसमें फ्रेंड आपको 6.67 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही 60Hz का रेफ्रिजरेट सपोर्ट और साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है बैक साइड में जो है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रोलेंस और प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बिग बैटरी, इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर। और दोस्तों इसके मेन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड पर बेस्ट है। तो दोस्तों इसके मेन वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो दूसरा वेरिएंट 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और जो तीसरा वेरिएंट 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है जिससे आप व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट तरीके से ले पाएंगे और खास दोस्तों रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसमें आपको अच्छा खासा कैमरा दिया देखने को मिल जाएगा और दोस्तों बढ़िया सी बैटरी है। और जो 720G है दोस्तों ये लेग फ्री प्रोसेसर है, आपको काफ़ी बढ़िया इसमें एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की मैंने प्राइस की बात करें तो जो 4GB रैम 64GB वाला वेरियंट है 12,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा
और जो 6 GB रैम 64 GB वाला वेरियंट 13,999 रुपये, 6 GB रैम 128 GB वाला वेरियंट 15,999 रुपये। तो दोस्तों आप अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन ठीक ठाक ना भी लगा हो तो अभी हमारे लिस्ट में कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो आपको बेहद पसंद आने वाले हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे इसमें आपको फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बिग बैटरी देखने को मिलेगी 6000 mAh की, और इसको चार्ज करने के लिए आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला प्रोसेसर और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा। तो फ्रेंड ये स्मार्टफोन निकल गया था Xiaomi की तरफ से Redmi 9 Power। इसमें दोस्तों आपको 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और दोस्तों बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें रियर कैमरा है 48 MP का। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलती है, और इसको चार्ज करने के लिए 18 W का फास्ट चार्जर। इसके दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। दोस्तों आपको इसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और दोस्तों आप डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, साथ ही दोस्तों आपको 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज, और जो तीसरा वेरिएंट है 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज। तो दोस्तों ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो 6.5 इंच का है, आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, और दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जा रहा है, साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, बिग बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर भी देखने को मिल रहा है, और दोस्तों जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का जो प्रोसेसर है इसमें दोस्तों आप गेमिंग कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और दोस्तों आप जो नॉर्मल वर्क है उसे भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अगर गेमिंग करते हो तो ज़्यादा आपको लेग इशू देखने को नहीं मिलेगा, और दोस्तों ना ही दोस्तों आपको कुछ हैंग का प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये स्मार्टफोन ज़्यादा गर्म भी ना होगा। तो दोस्तों इसके मेन प्राइस की बात कर लेते हैं, तो जो 4GB वाला वेरिएंट है 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट 10,000 की प्राइस में आता है, और दोस्तों जो 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है ये 11,999 के प्राइस में आता है, और दोस्तों जो तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला ये दोस्तों 12,999 के प्राइस में आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे आपके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन्स। दोस्तों अभी भी आपको स्मार्टफोन्स के लेकर कुछ कन्फ्यूजन है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दोस्तों इनमें से आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आपको कौन से स्मार्टफोन के बेस्ट स्पेक्स लगे, और आप कौन सा स्मार्टफोन 6,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये की प्राइस में लेने वाले हैं, तो दोस्तों ये कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।